नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अपन को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, 1 प्लस टेन थीटा को क्या बताया था, क्या लिख सकते हैं टेन थीटा को, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, और sec को क्या लिख सकते हैं, sec को लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा। उसके बाद देखना, ये हो गया 1 प्लस cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा माइनस cosec को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन। यानी क्वेश्चन से आपको सब कुछ याद हो जाएगा, वैसे तो इसमें सब कुछ आ गया, इसमें टेन भी आ गया, टेन को लिख सकते साइन बाय कॉस, कॉट को लिख सकते कॉस बाय साइन, सेक को लिख सकते 1 बाय कॉस, कॉस को लिख सकते 1 बाय साइन। ठीक है, ये सब फॉर्मूला यूज करके लिखे अपन ने। उसके बाद अब इसका एलसीएम लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, नीचे बचेगा कॉस थीटा। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। उसके बाद क्या है, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, और यहाँ क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, तो क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये अपना ए हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो गया ए, और ये क्या हो गया 1 हो गया बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 1 अपॉन क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी का स्क्वायर है। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, ए क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा प्लस 2, ए क्या है साइन थीटा 2ab बी। ठीक है, माइनस 1 का माइनस 1 रहेगा। उसके बाद अपन साइन थीटा कॉस थीटा लिख देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 क्या है प्लस में माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा कैंसिल, ये कॉस थीटा कैंसिल, बचा गया 2। ठीक है,
अब यहाँ देख लो, यहाँ पे अपन क्या लिख लेंगे, यूज्ड फॉर्मूला। यूज्ड फॉर्मूला, क्या क्या फॉर्मूले यूज हुए यहाँ पे, टेन ए को क्या लिखे अपन ने यहाँ पे, साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा। और कॉट ए को क्या लिखा है, कॉट ए को लिखा है कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है, पूरा क्वेश्चन फॉर्मूला से सॉल्व हुआ है। टेन ए को लिखे साइन ए बाय कॉस ए, कॉट ए को लिखे कॉस ए बाय साइन ए। सेक थीटा था क्वेश्चन में, तो सेक थीटा क्या लिखे, वन बाय कॉस थीटा, कॉसेक को लिखे हैं कॉसेक थीटा को वन बाय साइन थीटा, ठीक है। इसे फॉर्मूले अभी हमने आपको पहले स्टार्टिंग में पढ़ाया था, और साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ठीक है, यार फॉर्मूला बताया था ना आपको, थीटा प्लस कॉस का थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। आपको एक बार और समझाते हैं, याद समझ आया, ये फॉर्मूला टेन इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, कॉट ए कॉस ए बाय साइन ए, सेक थीटा को वन बाय कॉस ए, सो कॉस ए थीटा को वन बाय साइन ए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। क्या हम देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिए, वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस ए थीटा। अपन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं वन बाय कॉस थीटा, प्लस उसके बाद वन प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक, कॉसेक को लिख सकते हैं वन बाय साइन, ठीक है, साइन थीटा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा ऊपर चलेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा ऊपर, नीचे क्या बचा, कॉस थीटा और साइन थीटा, फिर क्या बचा अपन, क्या है ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहे थे अपन ने, क्या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या ले ली ए, और ए बी वन को क्या ले ली, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए ए क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इन दोनों को साथ में लिखेंगे। अब क्या है, वन वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ तक आया फिर उसके क्या माइनस वन का, माइनस वन साइन थीटा बाय कॉस थीटा, उसके बाद क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन, ठीक है, अपन ने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन, और साइन थीटा में कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, वन से वन कैंसिल हो गया, उसके बाद क्या साइन थीटा पर कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, बचा टू थीटा अपना आंसर।